हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक इट अप विद रीमा। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर करने वाली हूँ। जो लोग ये लुक को अचीव करना चाहते हैं वो इजीली ये वीडियो देख के आप लोग अचीव कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्टली यूज़ किया था रिकोट का हाइलोरोनिक मिस्ट, उसके बाद मैंने यूज़ किया था रिक्विल का एक मॉइस्चराइजर, उसके बाद मैंने यूज़ किया रिकोट का प्राइमर। आज मैंने नया नया बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ किया जो आप लोगों के साथ शेयर करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्यूटी ब्यूटी का कंसीलर पैलेट, जिसके साथ मैंने यहाँ पे मेकअप ड्यूरालाइन यूज़ किया था जस्ट गोल्ड का। हाँ गाइस, जस्ट गोल्ड का कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही अफोर्डेबल आता है एंड उसमें भी वाटरप्रूफ वो लोग प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग बहुत बजटली मेकअप नहीं करना चाहते, उनको वाटरप्रूफ लुक चाहिए, वो लोग जस्ट गोल्ड के प्रोडक्ट ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्ट गोल्ड एंड रिकोट का जो न्यू लॉन्च फाउंडेशन है उसके साथ थोड़ा सा ड्यूरालाइन मिक्स किया। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे कितना अच्छा फिनिश आएगा मेकअप का, कि एकदम स्मूथ बेस बनता है ड्यूरालाइन यूज़ करने पर। ये ड्यूरालाइन भी जस्ट गोल्ड कंपनी से था जो कि बहुत ही कम प्राइस का था एंड बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं। आप लोगों को अगर प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं, मैं सारा डिटेल्स बोल दूँगी और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी सारा कुछ। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया था मैक का कंसीलर, उसके बाद थोड़ा सा ब्राइटन अप इफेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे लॉरियल का एक कंसीलर यूज़ किया था। शेड वगैरह मैं आप लोगों को कमेंट पे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। उसके बाद मैंने देखिए ब्लेंडर यहाँ पे यूज़ किया था आई मैजिक का, जो कि बहुत ही सस्ता एंड बहुत ही अच्छा है। जो लोग कम प्राइस में मेकअप सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को ऑब्वियसली फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्रिप्स आएंगे इसमें जो अप्लाई करके आप बहुत अच्छे तरीके से मेकअप लुक अचीव कर सकते। तो यहाँ पर मैंने पाउडर यूज़ किया था रिकोट का, फिर मैंने यहाँ पर आई मैजिक का जो डार्क ब्राउन शेड है उससे आईब्रो प्रोमेट किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया जस्ट गोल्ड का ये पैलेट। तो गाइस क्या ही बताओ, ये बहुत मस्त पैलेट है, ये ब्लश कॉन्टोर पैलेट इतना स्मूथ फिनिश देता है और इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो गाइस लेट नहीं करके मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँचा पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे सेम पैलेट से ही ब्लश कर लिया था, देख सकते हैं गाइस कितना स्मूथ ब्लश और कितना पिगमेंटेड है। उसके बाद मैंने हुडा ब्यूटी का न्यूड नॉटी जो पैलेट है वो यूज़ किया था और एक न्यूड आई किया था मैंने। पहले मैंने यूज़ किया था एक ब्राउन शेड, उसको अच्छे से मैंने एक लाइट ब्राउन शेड से ब्लेंड किया था। और देखिए गाइस ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप में, जो लोग मेकअप सीखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा धैर्य रख के सीखना होगा क्योंकि ये एक आर्ट है, तो इसको सीखने के लिए थोड़ा धैर्य तो होना और प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे एक डार्क मरून शेड लिया, फिर उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग मैंने बोला ना गाइस कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने एक रोज गोल्ड शिमर यूज़ किया था सेम पैलेट से, उसको मैंने इनर कॉर्नर के साइड पे थोड़ा सा ब्लेंड किया। और उसके बाद मैंने दो ग्लिटर यूज़ किया था होलोग्राफिक, जिसमें थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट था जो कि उसके ड्रेस के साथ बहुत अच्छा जा रहा था। उसके बाद मैंने लोअर लैशेस पे दो कलर यूज़ किया था, एक डार्क ब्राउन कलर और एक डार्क मरून कलर। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया मैक का सेटिंग स्प्रे जो कि बहुत ही अच्छा है और मैं हर टाइम यूज़ करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे आई मैजिक का जेल लाइनर यूज़ किया था लाइनर के लिए। उसके बाद गाइस मैंने एक मेरा फेवरेट हाइलाइटर यूज़ किया जो कि मैक का ये हाइलाइटर है। मैंने बाद में भी और एक हाइलाइटर यहाँ पे यूज़ किया है थोड़ा सा न्यूड पिंकिश लुक देने के लिए। तो देखिए गाइस ये इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ना, ये सब प्रोडक्ट मुझे इतना मज़ा आता है ये सब यूज़ करके, और जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको पता ही होगा कि ये हाइलाइटर कितना अच्छा काम करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोल का लैशेस यूज़ किया था जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था और बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे PAC का वाइट काजल यूज़ किया, उसके बाद थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे यूज़ करके मैंने यहाँ पे यूज़ किया वो जो हाइलाइटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया था पिंक शेड में, जो कि यूज़ करने के बाद देख ही सकते हैं आप कितना स्मूथ फिनिश दे रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ किया था दो तीन शेड मिक्स करके। लिपस्टिक के लिए कॉमेंट ज़रूर करें, मैं शेड ज़रूर बता दूँगी। तो गाइज यहाँ पे फाइनल लुक रेडी है, आप लोग देखिए और लुक को इन्जॉय कीजिए और लुक कैसा हुआ ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि मैं ये सब वीडियो आप लोगों के पास और ज़्यादा लेके आ पाऊँ। तो चलिए गाइस बाय बाय, आज के लिए इतना ही।